फ्रेंड्स, दिस इज मारुति और आज हम आपको सिखाने वाले हैं डिजिटल यूज। लेकिन फ्रेंड्स, उससे पहले मैं आपको एक चीज बताना चाहूंगा कि जितनी भी बातें आपकी पास्ट में होती है और जो बातें बीत चुकी होती है, जो आपने अपनी लाइफ के अंदर काम कर लिए होते हैं, जो बीत गए होते हैं, उसका यूज आप पास्ट टेंस में करते हो ग्रामर के अकॉर्डिंग। बट यहाँ मैं आपको सिखाऊंगा डिड का यूज कैसे करेंगे अगर आपको कोई बात पास्ट की बतानी हो। लेकिन फ्रेंड, मैं यहाँ पे आपको टेंस सिखाने वाला नहीं हूँ, जैसा कि मैं अपनी हर वीडियो में आपसे बोलता हूँ, सिर्फ एक फॉर्मूला दूंगा। उस फॉर्मूले के थ्रू हम अपनी पास्ट की जितनी भी बातें होती जो करते हैं, उस फॉर्मूले के थ्रू आप अपनी पास्ट की बातों को बता सकते हैं। लेकिन उससे पहले मैंने यहाँ कोई वोकैब दी हुई है, ये सारी वोकैब का यूज करते हुए हम पास्ट डिड का यूज करना सीखेंगे। तो देखिए, सबसे पहले वोकैब कौन सी है, फॉरगेट। फॉरगेट मींस होता है भूलना। रिब्यूक, रिब्यूक मीन्स होता है बहुत सुनाना। आप बोलते हो कभी कभी, कई बार बोलते हो कि यार उसने मुझे बहुत सुनाया, वो मुझे बहुत सुनाती है, या वो मुझे बहुत सुनाता है, उस जगह पे हम रिब्यूक का यूज करते हैं, रिब्यूक। नेक्स्ट है हमारा हाइड द ट्रुथ, सच छुपाना। कभी कभी हम बहुत सारे सच छुपा लेते हैं, वो होता है हाइड द ट्रुथ। रिकॉग्नाइज, पहचानना। जैसे आप किसी शादी वगैरह में जाते हो, पार्टी में जाते हो और बोलते हो तुमने मुझे पहचाना, तुम मुझे पहचान गए, वो होता है रिकॉग्नाइज हमारा। एडमायर मीन्स होता है प्रशंसा करना, प्रेस माने भी प्रशंसा करना होता है, बट यहाँ पे मैंने एडमायरेबल यूज किया हुआ है। चलिए अब देखते हैं वोकैब का यूज हम डिड के साथ कैसे करते हैं। फॉर्मूला हमारा वही है जो मैंने अपनी लास्ट वीडियो में दिया हुआ था, डिड डूअर एक्शन। मीन्स ये हमारा टाइम वर्ड रहता है, और मैंने बोला था पहले भी कि हम हमेशा जो बातें करते हैं वो तीन तरीके से करते हैं, या तो हम डे टू डे लाइफ की बातें करते हैं, या हम अपनी गुजरे हुए कल की बातें करते हैं, या जो आने वाला होगा हम उसकी बातें करते हैं। तो डे टू डे लाइफ की जो बातें जो करते हैं, उसके लिए मैंने कल आपको डू डस का यूज करना सिखाया था, और आज हम बात करेंगे गुजरे हुए कल की, जो हम कर चुके हैं काम, तो उसके लिए टाइम वर्ड हमारा चेंज हो जाएगा, वो हो जाएगा हमारा डिड। तो टाइम वर्ड हमारा डिड है क्योंकि हमें बीती हुई बातें करनी है। डूअर जो काम को करने वाला होता है, एक्शन डूअर जो काम करे वो हमारा एक्शन कहलाता है। देखिए, डिड यू रिकॉग्नाइज मी, क्या तुमने मुझे पहचाना। डिड यू रिकॉग्नाइज मी, क्या तुमने मुझे पहचाना। डिड ही रिव्यू यू, क्या उसने तुम्हें बहुत सुनाया। डिड दे हाइड द ट्रुथ, क्या उन्होंने सच छिपाया। डिड शी फॉरगेट हिम, क्या वे उसे भूल गई। फ्रेंड्स, ये है हमारे क्वेश्चन पूछने का अंदाज। इस डिड के थ्रू हम अपने जो पास्ट में जो भी हमारा बीत गया होता है, पास्ट में हमें कोई भी क्वेश्चन रेज करने होते हैं, तो उस जगह पे हम डिड लगाकर क्वेश्चन ऐसे पूछ सकते हैं, बस हमें एक्शन पता होने चाहिए। ठीक है, अब ये क्वेश्चन रेज करना तो आ गया आपको, अब हम सिखाएंगे आपको कि इसके आंसर कैसे देते हैं। आंसर देने के वही दो तरीके होते हैं, एक पॉजिटिव दूसरा नेगेटिव। अभी मैं आपको सिखाता हूँ कि अब हम इसके आंसर पॉजिटिव में भी कैसे देंगे और नेगेटिव में भी कैसे देंगे। चलिए अब देखते हैं कि जो हमने क्वेश्चन ऊपर रेस किए उसके आंसर कैसे देते हैं। आंसर देने का हमारा ये फॉर्मूला हो जाता है, डूअर प्लस एक्शन की सेकंड फॉर्म। जो भी हमारा एक्शन होता है, जैसे ये हमारे एक्शन थे, तो इस एक्शन की हम सेकंड फॉर्म यूज करते हैं आंसर देते समय। डूअर हमारा आई है, पहले हमने क्वेश्चन जो पूछा हुआ था ऐसे यहाँ पे पूछा था, डू यू रिकॉग्नाइज मी, क्या तुमने मुझे पहचाना। आंसर देंगे आई रिकॉग्नाइज यू, यहाँ पे हमने एक्शन में सेकंड फॉर्म लगा दी, यानी कि ईडी लगा दी है, आई रिकॉग्नाइज यू, हाँ मैंने तुम्हें पहचान लिया। ही रिब्यूक्ड मी, उसने मुझे बहुत सुनाया। रिब्यूक की हमने एक्शन में ईडी लगा दिया, सेकंड फॉर्म लगा दी, रिब्यूक्ड मी, उसने मुझे पहचान, उसने मुझे बहुत सुनाया। दे हिड द ट्रुथ, उन्होंने सच छिपाया, हाइड की सेकंड फॉर्म होती है हमारी हिट। शी फॉरगॉट मी हिम, फॉरगेट की सेकंड फॉर्म होती है फॉरगॉट, शी फॉरगॉट हिम, उसने वे उसे भूल गई। अब हम ये तो थे हमारे पॉजिटिव में, ये हमारे आंसर देना है, अब हम सिखाएंगे आपको कि इसके नेगेटिव में हम आंसर कैसे देते हैं। चलिए फ्रेंड्स, हम आपको सिखाते हैं नेगेटिव में आंसर कैसे देते हैं। डूअर नेगेटिव का हमारा ये फॉर्मूला होता है आंसर देते समय, डूअर प्लस डिड नॉट प्लस एक्शन। जब हमने पॉजिटिव में आंसर दिया था तो हमने सेकंड फॉर्म एक्शन के सेकंड फॉर्म का यूज किया था, बट नेगेटिव में आंसर देते समय हम एक्शन के सेकंड फॉर्म का यूज बिल्कुल भी नहीं करते हैं।
ठीक है, उसमें हमारा ये फॉर्मूला काम करेगा, जुअर प्लस डेड नॉट प्लस एच। नेगेटिव में आंसर देते समय सिर्फ हमें डिड नॉट ही लगाना, हमारा आंसर नेगेटिव में हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल आई डिड नॉट, क्योंकि हमें मना करनी है, आई डिड नॉट रिकॉग्नाइज यू, मैंने तुम्हें नहीं पहचाना। ही डिड नॉट रिव्यू मी, उसने मुझे नहीं सताया। दे डिड नॉट हाइड द ट्रुथ, उन्होंने सच नहीं छुपाया। शी डिड नॉट फॉरगेट हिम, वह उसे नहीं भूली। फ्रेंड इस तरह से हमने देखा कितने आसानी से क्वेश्चन करना भी सीख लिया, क्वेश्चन का आंसर देना भी सीख लिया और मना करना भी सीख लिया। अगर हमें पास्ट में या अपने गुजरे हुए कल की कोई बात बतानी हो तो हम इस तरह डिड का यूज करते हुए क्वेश्चन भी पूछ सकते हैं और अपनी बात भी आसानी से बड़ी आसानी से बता सकते हैं। फ्रेंड्स आपने अभी तक देखा होगा, आपने जितने भी यूट्यूब में वीडियो देखी होगी, आप स्कूल भी गए होंगे, आपको हमेशा इंग्लिश बोलने के लिए यही बोला गया होगा टेंस सीखो टेंस सीखो टेंस सीखो, लेकिन आज तक आपको कभी टेंस वन में नहीं आए। और मैंने आपको जो फॉर्मूला बताया हुआ है वो सारे के सारे फॉर्मूले विदाउट यूजिंग टेंस है। जी हाँ फ्रेंड्स, विदाउट यूजिंग टेंस 100% यूज दिस फॉर्मूला यू कैन स्पीक इंग्लिश। बस आपको मेरी सारी वीडियो रेगुलर देखनी पड़ेगी और नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि अगर हम अपने फ्यूचर की बातें करते हैं तो विल का यूज कैसे करेंगे, उसके आंसर नेगेटिव में पॉजिटिव में कैसे देंगे। थैंक यू फ्रेंड्स।